बच्चों प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था एक्सक्रीशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन के हमने स्ट्रेटजीज देखी हैं, स्ट्रक्चर्स देखी हैं, और उनके अंदर हमने देखा किस तरह से ऑर्गेनिज्म्स अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर रिमूव करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के नाम से आपकी बुक के अंदर टॉपिक दिया गया है। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच को एक्सप्लेन करें। तो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन से पहले मैं आपको चंद एक बातें बता दूं। जो आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स हैं, ड्राई लैंड के ऊपर रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके अंदर कॉकरोच या ग्रास होपर्स वगैरह आते हैं, इनके अंदर यूनिक एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म मौजूद है। यूनिक एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म क्या है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से वो एक्सक्रीशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की और इनका जो मैकेनिज्म है जिसकी मदद से ये अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो जो मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इतना इलेबोरेटली एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मेन हेडिंग है एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, आर्थ्रोपोड्स के अगर हम एटमोलॉजी की बात करें, इसके लिटरल मीनिंग की बात करें, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट्स, आर्थ्रो से मुराद है ज्वाइंट्स, पोड्स पोड्स या पोडा से मुराद है लेग्स। अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें, आर्थ्रोपोड्स से मुराद ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी ज्वाइंटेड लेग्स हैं, ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनकी लेग्स के अंदर ज्वाइंट्स मौजूद हैं। तो ज्वाइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में हम दो चीजों की बात करेंगे, आर्थ्रोपोड्स दो तरह के होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स ड्राई लैंड के ऊपर मौजूद हैं, ड्राई लैंड के ऊपर रहते हैं। जो ड्राई लैंड के ऊपर आर्थ्रोपोड्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्ट्स, क्लास हेक्सापोडा के मेंबर हैं इंसेक्ट्स, इनकी सिक्स लेग्स होती हैं। इंसेक्ट्स के अलावा जो वाटर के अंदर रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं उनको बोलते हैं कोपीपोड्स, कोपीपोड्स। तो आपकी बुक में इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन में एग्जांपल दी गई है, इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन की एग्जांपल में हम कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन देखेंगे या फिर ग्रास होपर या कॉकरोच के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। तो इनके अंदर हम यूनिक मैकेनिज्म देखेंगे, एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म जिसके अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम हम स्टडी करने लगे हैं, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूलर सिस्टम मौजूद है, ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जिनको मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। अगर हम कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉकरोच का किस तरह का है, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है। इन ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन ये है कि मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं। मार्सिलो मालपिगियन ये साइंटिस्ट था, इसने पहली दफा एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉकरोच के अंदर देखा था और उसी के नाम से हम इसको जानते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। कैसी ट्यूब्यूल्स हैं,
ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स, ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल से मुराद है इनकी ओपनिंग मौजूद नहीं है, नो ओपनिंग, इनके पास ओपनिंग मौजूद नहीं है। हम टिपिकल इंसेक्ट की डायग्राम देखते हैं कि इंसेक्ट के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं, एक ग्रास होपर की, एक इंसेक्ट की डायग्राम देखते हैं और इसके अंदर हम देखेंगे एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। इसकी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे कि मालपिगियन ट्यूब्यूल्स किस तरह से इसकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज का? एक टिपिकल इंसेक्ट का। इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएटेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इंसेक्ट्स में जो ड्राई लैंड के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है लाइक कॉकरोच, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में एसोसिएटेड होता है। और किस तरह से ये काम करता है, इसके लिए हम पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रा करते हैं। एक इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, इसके अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है माउथ। माउथ के बाद नेक्स्ट पार्ट है फोर गट के बाद का जो पार्ट है वो है मिडगट। ये है मिडगट। मिडगट के बाद का पार्ट होता है हाइंडगट। ये है इंसेक्ट्स का हाइंडगट। ये इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है फोर गट। बिफोर, फोर से मुराद है पहले, तो जो पहले पार्ट है फोर गट। फोर गट के बाद जो मिडल पार्ट है ये है मिडगट और इसके बाद है हाइंडगट। हाइंडगट, तो ये तीन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, फोर गट, मिडगट और हाइंडगट। तो हम अगर कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड। ये एसोसिएटेड है किसके साथ? ये एसोसिएटेड होता है विद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। तो मैं इनके दरमियान में एसोसिएशन दिखाता हूं कि कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको हमने नाम दिया है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का। ये मैं ब्लू कलर से आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखा रहा हूं जिनको मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या है? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स हैं। ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जिनकी ओपनिंग कोई भी नहीं है। ये ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स हैं जिनको मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया गया है। अब मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहां पर मौजूद होती है, इनकी अगर हम पोजीशन की बात करें, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं मिड गट और फोर गट के कनेक्शन पे, कि जहां पर मिड गट और फोर गट आपस में मिल रहे हैं वहां पर ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स मौजूद है। तो ये मैंने ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं ये हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। इन स्ट्रक्चर्स का क्या नाम है? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स किस तरह से काम करती हैं इसकी हम अभी बात करते हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स ने बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना होता है और उनको हाइंडगट से क्लोएका के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर देना है। अब हम देखेंगे कि ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स किस तरह से
काम करती हैं। मैं एक मालपिगियन ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाता हूँ, इसको हाई मैग्निफिकेशन पावर के अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक मालपिगियन ट्यूब्यूल की अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर सेल्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है और वो सेल्स किस तरह से काम करते हैं। मैं एक मालपिगियन ट्यूब्यूल का आपको मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर दिखाने लगा हूँ। ये एक मालपिगियन ट्यूब्यूल है, इस मालपिगियन ट्यूब्यूल की वाल के सेल्स दिखा रहा हूँ। ये मालपिगियन ट्यूब्यूल की वाल के सेल्स हैं, ये सेल का न्यूक्लियस, मालपिगियन ट्यूब्यूल की वाल के सेल्स। ये सेल्स किस तरह से अब्सॉर्प्शन के अंदर काम करते हैं, कहाँ से अब्सॉर्प्शन करनी है, जो सेल्स के दरमियान में फ्लूइड मौजूद है इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है हीमोलिम्फ का। हीमोलिम्फ से, हीमोलिम्फ कहाँ पे मौजूद है, सेल्स के दरमियान में स्पेसिस पे मौजूद होता है, उन स्पेसिस को नाम दिया जाता है टिश्यू साइनसिस का। तो टिश्यू साइनसिस से हीमोलिम्फ जो है, हीमोलिम्फ किस तरह से इस ल्यूमन के अंदर वेस्ट मटेरियल को भेजेगा, इसके लिए हम देखते हैं इसके गिर्द जो, इस मालपिगियन ट्यूब्यूल के गिर्द जो सेल्स हैं उनके दरमियान में टिश्यू साइनसिस या स्पेसिस का जिक्र करते हैं। ये मैं आपके सामने कुछ सेल्स दिखा रहा हूँ, इसके सोमैटिक सेल्स हैं, इसकी बॉडी के कुछ सेल्स हैं और इन सेल्स के दरमियान क्या चीज मौजूद है, इन सेल्स के दरमियान टिश्यू साइनसिस या स्पेसिस मौजूद हैं। इन स्पेसिस को टिश्यू साइनसिस का नाम दिया जाता है। अब टिश्यू साइनसिस से किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर होते हैं, टिश्यू साइनसिस से मालपिगियन ट्यूब्यूल्स तक वेस्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। मैं दो सेल्स दिखा रहा हूँ और इन सेल्स के दरमियान में टिश्यू साइनसिस मौजूद है, स्पेसिस मौजूद है, इस स्पेस को नाम देते हैं टिश्यू साइनसिस, टिश्यू साइनसिस। ये टिश्यूज के दरमियान में स्पेसिस हैं, इन स्पेसिस के अंदर मौजूद हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो के हीमोलिम्फ कहलाता है। यहाँ पर फ्लूइड मटेरियल दिखाता हूँ मैं, फ्लूइड मटेरियल में क्या चीज मौजूद है, फ्लूइड मटेरियल में इसका ब्लड है जिसको हीमोलिम्फ का नाम दिया जाता है। अब इसके ब्लड को हीमोलिम्फ क्यों कहते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर, कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है और इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है हीमोलिम्फ का। हीमोलिम्फ क्या है, ये इसका ब्लड है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को हीमोलिम्फ का नाम दिया जाता है। हीमोलिम्फ की कंपोजिशन की अगर बात करें, हीमोलिम्फ के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, यहां पर मौजूद है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जिसको बॉडी से बाहर रिमूव करना है, यूरिक एसिड मौजूद है। इसके अलावा यहां पे मौजूद है हाइड्रोजन आयंस, यहां पे हाइड्रोजन आयंस मौजूद है, यहां पर पोटाशियम आयंस मौजूद है, यहां पर सोडियम आयंस मौजूद है, सोडियम आयंस, यहां पर क्लोराइड आयंस मौजूद है। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, टिश्यू साइनसिस में मौजूद है जिसको हीमोलिम्फ या फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोलिम्फ का नाम दिया जाता है ब्लड को। ये मैंने सेल्स और सेल्स के दरमियान में टिश्यू साइनसिस और हीमोलिम्फ का जिक्र किया। अगर हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं इंसेक्ट्स के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को क्या नाम दिया जाता है, ब्लड को ब्लड नहीं कहा जाता, ब्लड को हीमोलिम्फ का नाम दिया जाता है। तो हीमोलिम्फ कहाँ पे मौजूद है, सेल्स के दरमियान में स्पेसिस में मौजूद है जिनको टिश्यू साइनसिस का
नाम दिया जाता है। अब मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने एक वर्ड यूज किया है, ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, वो ये लिखा है कि मालपिगियन ट्यूब्यूल्स सस्पेंड होती हैं कहाँ पर, हीमोलिम्फ में, जो सेल्स के दरमियान में टिश्यू साइनसिस है उसके अंदर मालपिगियन ट्यूब्यूल्स सस्पेंडेड होती हैं, और मालपिगियन ट्यूब्यूल्स ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स हैं जिनकी कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं है। ये सेल्स कौन से सेल्स हैं? ये सेल्स एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स। कौन से एपिथेलियल सेल्स? मालपिगियन ट्यूब्यूल की वॉल के एपिथेलियल सेल्स। ये जो सेंटर में स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है ल्यूमन। इस स्पेस का क्या नाम है? ल्यूमन। हम अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ की कंपोजिशन की अगर बात करें, हीमोलिम्फ की कंपोजिशन में यहां पे पोटाशियम आइंस मौजूद हैं, पोटाशियम आइंस मौजूद हैं, यहां पर यूरिक एसिड मौजूद है। ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स यूरिक एसिड को प्रेजेंट कर रहे हैं। यूरिक एसिड मौजूद है यहाँ पे, यहाँ पर वाटर या फिर हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं, हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं, यहाँ पर सोडियम आइंस मौजूद हैं और क्लोराइड आइंस मौजूद हैं। सोडियम और सोडियम के अलावा यहाँ पे क्लोराइड आइंस मौजूद हैं हीमोलिम्फ के अंदर, क्लोराइड आइंस। अब अब्सॉर्प्शन किस तरह से होती है, मैं आपके सामने मैकेनिज्म लिखूंगा अब्सॉर्प्शन का या फिर एक्सक्रीशन का। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किस तरह से होती है? आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स किस तरह से वो एक्सक्रीशन के अंदर काम करती हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं, पहले नंबर पे हम यहाँ पे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से एनर्जी को यूज करके एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आइंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाइड्रोजन आइंस की अब्सॉर्प्शन होती है एटीपी को यूज करके, कहाँ से? हीमोलिम्फ से हाइड्रोजन आइंस को ये एपिथेलियल सेल्स ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ल्यूमन के अंदर। और पहला स्टेप हम लिख सकते हैं, पहले स्टेप में क्या हुआ? एक्टिव अब्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, के हाइड्रोजन आइंस की एक्टिव अब्सॉर्प्शन हुई हीमोलिम्फ से ल्यूमन के अंदर। कहां से? हीमोलिम्फ से ल्यूमन के अंदर। अब जब हाइड्रोजन आइंस की अब्सॉर्प्शन होती है ल्यूमन के अंदर, इसके बाद क्या होता है? ये हाइड्रोजन आइंस दिखाए गए हैं, हाइड्रोजन आइंस को भेज दिया जाता है इन सेल्स के अंदर, इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आइंस को भेज दिया जाता है। लेकिन इसके बदले में क्या होता है? ये एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? ये सोडियम या फिर पोटाशियम आइंस को ल्यूमन के अंदर भेज देते हैं। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं आइन एक्सचेंज मैकेनिज्म, जिसके अंदर सोडियम आइंस या फिर पोटाशियम आइंस को अब्सॉर्ब किया जाता है। तो ये आइन एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, यहां पर मैं लिखता हूं आइन एक्सचेंज मैकेनिज्म। आइन एक्सचेंज के अंदर क्या हुआ कि सोडियम आइंस को एक्सचेंज कर लिया गया किसके साथ? हाइड्रोजन आइंस के साथ। हाइड्रोजन आइंस सेल्स के अंदर भेज दिए गए और वहां से ल्यूमन के अंदर क्या चीज ऐड की? सोडियम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट, कि सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज हुआ, इसको केटाइन केटाइन एक्सचेंज का
नाम भी दिया जाता है। अब सोडियम या पोटाशियम आयंस ल्यूमन के अंदर जब इंक्रीज करते हैं तो ल्यूमन के अंदर क्या होता है, ल्यूमन के अंदर ऑस्मोटिक या सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज कर देता है। एक्चुअल में जब सोडियम और पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन केटाइंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है ल्यूमन के अंदर, तो बाहर से क्या होता है, बाहर से क्लोराइड आयंस अंदर की तरफ मूव करते हैं। बाहर से क्लोराइड आयंस, मैं क्लोराइड आयंस की मूवमेंट दिखा रहा हूं, ये क्लोराइड आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे पैसिवली। तो सोडियम और पोटाशियम की वजह से क्लोराइड आयंस क्या करते हैं, मूव पैसिवली कहां पर, इनटू ल्यूमन के अंदर। अब जब ल्यूमन के अंदर इतने ज्यादा सोल्यूट्स ऐड अप हो रहे हैं, सोडियम आयन पोटाशियम आयन ऐड हो रहे हैं, क्लोराइड आयन ऐड हो रहे हैं, तो ल्यूमन के अंदर सोल्यूट पोटेंशियल क्या करता है, सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज कर देता है। तो मैं लिखता हूं सोल्यूट पोटेंशियल, ये साइन पोटेंशियल को शो कर रहा है, एस से मुराद है सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज कर देता है, कहां पर, इनटू ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। जब सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज करता है फिर क्या होगा, बाहर से वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने साथ यूरिक एसिड लेके ल्यूमन के अंदर एंटर होंगे, तो वाटर और उसके साथ साथ यूरिक एसिड ये क्या करते हैं, ये ल्यूमन के अंदर मूव कर जाते हैं। तो मैं लिखता हूं कि वाटर उसके साथ साथ यूरिक एसिड ये क्या करते हैं, दे आर मूव्ड इनटू ल्यूमन, ये ल्यूमन के अंदर मूव कर जाते हैं। अब ल्यूमन के अंदर क्या हुआ, ल्यूमन के अंदर यूरिक एसिड आ चुका है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड ही क्यों है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस यूरिक एसिड को अब क्या किया जाएगा, इस यूरिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहां तक, इस यूरिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, यहां से यूरिक एसिड को हाइंड गट की तरफ भेज दिया जाता है। अब जो वाटर और सोल्यूट्स और उनके साथ वेस्ट पार्टिकल्स अब्सॉर्ब हुए हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कहां पर, हाइंड गट के अंदर, ये ट्रांसपोर्टेशन हो चुकी है हाइंड गट के अंदर। तो वाटर के साथ साथ यूरिक एसिड और साथ में सोल्यूट्स ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम या रेक्टम की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां पर कुछ ग्लैंड मौजूद हैं, इन ग्लैंड को नाम दिया जाता है रेक्टल ग्लैंड का, जो रेक्टम के पास मौजूद है, रेक्टम की वाल के अंदर मौजूद है। रेक्टम एक्चुअल में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और इसके पास ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, इस ग्लैंड को नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड का। रेक्टल ग्लैंड क्या करते हैं, रेक्टल ग्लैंड अब्सॉर्प्शन करते हैं किस चीज की, वाटर की और साथ साथ सोल्यूट्स की, वाटर और सोल्यूट्स की अब्सॉर्प्शन का काम किसका है, रेक्टल ग्लैंड का, जो के कहां पे मौजूद है, ये रेक्टम के अंदर मौजूद है रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड ने क्या करना है, रेक्टल ग्लैंड ने वाटर और साथ साथ सॉल्ट्स की अपटेक करनी है, अब्सॉर्प्शन करनी है, और वेस्ट मटेरियल क्या बनेगा, यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड है इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यूरिक एसिड। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि यूरिक एसिड ही क्यों, यूरिक एसिड क्यों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। हमने बात की है इंसेक्ट्स की, कॉकरोच और ग्रास होपर, ये ड्राई लैंड के ऊपर रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं, और ड्राई लैंड के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, वाटर की शॉर्टेज होता है,
क्योंकि ड्राई लैंड के ऊपर वाटर का शॉर्टेज होता है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको मिनिमम वाटर चाहिए। कितना वाटर? 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कितने ml वाटर चाहिए होता है? 1 ml ऑफ वाटर, 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। इसलिए कम से कम वाटर को यूज करके ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज है, रेक्टल ग्लैंड। बच्चे पहले भी पढ़ के आए हैं आप, रेक्टल ग्लैंड फिशेज के अंदर, प्लाज्मोब्रैंक्स वगैरह के अंदर रेक्टल ग्लैंड्स पढ़े हैं आपने। वहां पे रेक्टल ग्लैंड्स साल्ट की एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं, साल्ट की अब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। ये डिफरेंट